शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैंने कहा ना मुझे मायनों से तुम यही कह रहे हो, बताओ भावना कहाँ है? वरना मैं यहाँ हूँ। भावना, भावना महीनों से मैं भावना की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहाँ थी तुम? मेरे दिन का हिसाब मांगने वाले आप कौन है? क्या तुम मुझसे पूछ रही हो? जी हाँ, आपसे पूछ रही हूँ मैं कि मेरे ऑफिस में एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर ये गुंडागर्दी क्यों कर रहा है? नहीं नहीं भावना, मैं यहाँ एक पुलिस ऑफिसर की तरह नहीं, मैं तो तुम्हारा अपना रवि बनकर। आप भूल रहे हैं रवि साहब, अपनेपन का वो रिश्ता आप बहुत पहले तोड़ चुके हैं और आज मैं वो कर्ज पूरा किए देती हूँ। ये नहीं आपकी चिट्ठियां जो आज तक आप मुझे लिखते रहे और जिन्हें मैंने खोलकर देखा भी नहीं, अब आप जा सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जब कोई शरीफ लड़की किसी से बात करना ना चाहे तो आदमी की शराफत इसी में है कि वो जबरदस्ती ना करे। तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, शेर की दुम पर हाथ रखा। बम बम भोले। तुम तो बिल्कुल ही आउट हो गए थे। तुम वो मिस भावना भरद्वाज, तुम यहाँ खाना खाने आए हो या लड़कियाँ ताकने? अरे वो लड़की नहीं है, वो तो इंडिया की बहुत मशहूर वकील है और उसकी तस्वीर तो आज सारे अखबारों में छपी है। तो उसकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? घर चल के अखबार देख लेना। चलो खाना खाओ, ये लो हड्डी चबाओ। भावना जी, हेलो, मैं रशीदा हूँ। भावना जी, मुझे हरीश कहते हैं। अच्छा, कंग्रेचुलेशन। अरे रात और रात तुम तो झांसी की रानी हो गई हो। खुशकिस्मत मोतिया वाली सरकार, क्या तो भी पटका मारिया, प्रताप नारायण जी तुसी बांसुरी बजा दी। भावना जी साड़िया सब भावना तुहाडे नाल है, पर जल्दी नाल मेरा हाथ मिला लो। हेलो, तुसी की चीज है? मैं थोड़ा प्राण, मैं थोड़ी भजाई। तुंडा ही कर टूटिया हाथ ही छाडे। मैं भी उससे हाथ मिलाकर आता हूँ। तुम बैठो यहाँ, हाथ मिलाने का इतना ही शौक है तो मुझसे पंजा लड़ा लो। यहाँ तो बैठना ही मुश्किल हो गया। हाँ। अच्छा एक मिनट रुको, मैं कोई इंतजाम करके आता हूँ। गुड इवनिंग सर। हाय बजरंग। हाय बजरंग। हाय बजरंग। ऐसा लगता है ना बद्दू, आज अखबार में जो उन वकील लड़की का फोटो छपा है वो तो प्रताप नारायण जैसी चोटी के वकील को पछाड़ दिए थे। बहुत समझदार लागत है। तो क्या है दद्दू, देवी चाचा की उम्र हो गई है, हम सोचत रहे अब उनका रिटायर कर दो तो अच्छा है। नहीं बबुआ, हमारे संगठन में एक बार आने के बाद कोई जीते जी रिटायर नहीं हो सकत है। और एक बात और, एक खूबसूरत जवान औरत की अपने संगठन में शामिल करना भूसे के ढेर में चिंगारी फेंकने के बराबर है। और बबुआ एक बात अपने गिरह में बांध लियो, ये संसार में हर बड़े आदमी की बर्बादी के पीछे हमेशा कौनो न कौनो औरत का हाथ रहा है। दद्दू शायद ये भूल गए, हर बड़े आदमी की तरक्की के पीछे कौनो न कौनो औरत का ही हाथ होता है। लगता है बजरंग आज किसी खूबसूरत लड़की की जवानी पे मर मिटा है, इसीलिए उसे अपनी गोद में बिठाने से पहले आपकी गद्दी पे बिठाना चाहता है। तुम? फूल पसंद आया ब्यूटीफुल? तुम अंदर किसकी इजाजत से आए? बबुआ को कहीं आने जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये मेरा घर है मिस्टर, और यहाँ आने के लिए परमिशन की जरूरत है। और आपके दिल में आने के लिए? ओह शट अप। ओह ब्यूटीफुल, बबुआ को हुक्म सुनने की नहीं हुक्म देने की आदत है। सुनो मिस्टर, आप जिंदगी भर बोलती रहिएगा, हम सुनते रहेंगे, लेकिन इस वक्त आप हमारी सुनिए। आप हमारी वकील बन जाइए, हमारे साथ काम कीजिए, हम अपनी बेपनाह दौलत से आपकी किस्मत बदल देंगे। ठोकर मारती तुम्हारी इस गंदी दौलत पर, टेक योर फिल्थी रिचर्ड, गेट आउट। जाने से पहले एक बात सुन लीजिए,
बबुआ ने जिंदगी में जो कुछ भी चाहा है उसे हासिल किया है, और आपको तो हमने दिलो जान से चाहा है। चलिए किस्मत की, फिर मिलेंगे। बाय। टेलीग्राम आया। हाँ हाँ, थैंक यू। अरे आप नाश्ता लगा दिया है। रामू जी जल्दी से सामान बांधो, बाबू जी की तबीयत खराब है। बाबू जी कैसे? डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, बार बार आंखें खोलते हैं, बार बार आपको पूछते हैं। रवि तू आ गया बेटे, कल्पना कहाँ है? मैं यहाँ हूँ अंकल। बेटे कल्पना बड़ी सुशील लड़की है। मैं जानता हूँ बाबूजी, आप आराम कीजिए। बेटा समय नहीं है, मैंने अपने दोस्त रघुनाथ को वचन दिया था कि उसकी प्यारी बेटी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मैंने इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा तो कर दिया है, अब इसकी शादी बातें बाद में कर लेंगे बाबूजी। बेटे मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम कल्पना को ब्याह लो। लेकिन बाबूजी अब और कुछ मत बोल बेटा। बेटी कल्पना मैंने तुम्हारे बाप को जो वचन दिया था वो आज पूरा कर दिया, अब तुम इसकी पत्नी हो गई और ये तुम्हारा पति। इस गांठ को भवन कुंड की गांठ से भी ज्यादा मजबूत समझना बेटा, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसको अपने साथ ही लेकर जाना बेटा। हे राम हे राम हे राम। बाबूजी अंकल आज की एक और कामयाबी पर मुबारकबाद। कौन? हुजूर एक ही तो है आपको दिलो जान से चाहने वाला, फुल पसंद आया ब्यूटीफुल। शट अप। एक मिनट रुकिए, साहब आ गए। भावना मेरे साहब का फोन है। हेलो भावना कैसी हो? हद कर दी तुमने रवि, कितने दिन लगा दिए, घर पे रहना, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं भावना तुम मत आओ, मैं आता हूँ। अफो जल्दी आओ फौरन से पेशतर। रामू रामू ये तुम्हारी मालकिन है, इन्हें घर दिखाओ, मैं अभी आता हूँ। ये भावना मेरी साहब कौन है? जी वकील है, बहुत बड़ी वकील है, आपकी दोस्त है। अच्छा स्वभाव की बहुत अच्छी है। लगता है तुम्हारे हिसाब से ज्यादा तुम्हें पसंद है। सोने को सोना ही कहेंगे मालकिन, पीतल तो नहीं कहेंगे। ठीक कह रहे हो तुम, घर देखें। बाबा जी की मौत के साथ तकदीर ने मुझसे एक और मजाक किया। मतलब? मेरी शादी हो गई। कहते ये झूठ है। नहीं भावना ये सच है। मुझे भी बहुत अफसोस है लेकिन मैं मजबूर था। कुछ मत बोलो, चले जाओ। भावना मैं हमेशा हमेशा के लिए बस भगवान के लिए चले जाओ यहां से, प्लीज चले जाओ। क्या बात है डॉक्टर, चुप क्यों हो? बोलो डॉक्टर मुझे क्या बीमारी है? मैं मौत से नहीं डरती। बात मौत की नहीं है भावना, जिंदगी की है। तुम्हारी कोख में एक नई जिंदगी जन्म ले रही है, तुम मां बनने वाली हो।
प्लीज डॉक्टर, प्लीज लीव मी अलोन। जो तुम्हारे लिए वरदान होना चाहिए था वो आज श्राप बन गया। भैया ये क्या कह रहे हो तुम? ये मेरे पहले प्यार की निशानी है। तुम्हारे प्यार की निशानी तुम्हारे लिए कलंक बन गई है। पहना इस कलंक को जन्म मत दो। नहीं भैया नहीं, नहीं। मैं उसे जन्म दूंगी, जरूर दूंगी भैया। मैं उसे अपनी गलती की सजा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। फिर भी लोग उसके नाम के साथ एक गंदी गाली जोड़ देंगे। बहना बहना तुझे जो फैसला करना तू कर, लेकिन एक बार फिर विचार कर ले प्लीज। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत है। मैं सोच रही हूं मैं वो नौकरी कर लूं। घर का अकेलापन काटने को दौड़ता है। आपकी क्या राय है? मेरी राय लेना जरूरी है क्या? आपका भी तो कोई अधिकार है मुझ पर। अगर आपकी मर्जी ना हो तो मैं तुम्हारी बात करना। तुम्हें भी सारी बातें रात को ही सोचती। मुझसे थोड़ी सी बात करना भी आपको बोझ लगता है? सुनो, मैं सोना चाहता हूँ। लाइट बजा दो और तुम भी सो जाओ। जब से यहाँ आई हूँ मैं सो ही तो रही हूँ। Oh, hell! तुम लोग तो मुझे पागल कर दोगे। बाहर जाओ तो परेशानी, घर में आओ तो तुम्हारी बकबक। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कहां जाऊं? और जब होश संभालने के बाद ये खुद अपने बाप का नाम पूछेगा तो इतिहास गवाह है के बाप के नाम के बगैर भी कई माओं ने अपने बच्चों को पाल पोस कर मसीहा बना दिया। मैंने कहा ना मुझे माइनों से तुम यही कह रहे हो? बताओ भावना कहाँ है? वरना मैं यहाँ हूँ। भावना, भावना महीनों से मैं भावना की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। कहाँ थी तुम? मेरे दिन का हिसाब मांगने वाले आप कौन है? क्या तुम मुझसे पूछ रही हो? जी हाँ, आपसे पूछ रही हूँ मैं कि मेरे ऑफिस में एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर ये गुंडागर्दी क्यों कर रहा है? नहीं नहीं भावना, मैं यहाँ एक पुलिस ऑफिसर की तरह नहीं, मैं तो तुम्हारा अपना रवि बनकर। आप भूल रहे हैं रवि साहब, अपनेपन का वो रिश्ता आप बहुत पहले तोड़ चुके हैं। हाँ। और आज मैं वो कर्ज पूरा किए देती हूँ। ये नहीं आपकी चिट्ठियां जो आज तक आप मुझे लिखते रहे और जिन्हें मैंने खोलकर देखा भी नहीं। अब आप जा सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जब कोई शरीफ लड़की किसी से बात करना ना चाहे तो आदमी की शराफत इसी में है कि वो जबरदस्ती ना करे। तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, शेर के दुम पर हाथ रखा है। नहीं साहेब बहादुर, हमने हमेशा शेर को जबड़ों से पकड़ा है। ये मेरा ऑफिस है, मछली बाजार नहीं। अब आपको क्या चाहिए? ओह ब्यूटीफुल, हमारा नाम रवि मल्होत्रा नहीं बजरंग है। हमसे बदतमीजी करके भी तुम सही सलामत हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे या तुम्हारे कानून से डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हमने टूट कर तुमसे प्यार किया है और जिस बुत का हम एक बार सजदा करते हैं उसे हम तोड़ते नहीं बल्कि अपने प्यार की गर्मी से पिघला देते हैं। ये बुत टूट जाएगा, कभी पिघलेगा नहीं। और आईना मेरे ऑफिस में कभी कदम मत रखना। आज के बाद हम नहीं, तुम मेरे दरवाजे पे आओगी। ब्यूटीफुल। मैं तो परेशान हो गई। क्यों, कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? अरे वही भोलू के पिताजी।
भला और कौन परेशान करेगा मुझे। शराब पीता है क्या? नहीं नहीं, शराब वराब नहीं पीता है। वो तो सब आपका रसिया है। अच्छा, मेरा तो अच्छे कपड़े पहनना ही मुश्किल हो गया बीबी जी। वो क्यों? जब भी नहाए धोए के बढ़िया कपड़े पहनूं, मुरा और भवरे की तरह पीछे पीछे मंडराने लगे हैं। इन पतियों को अगर बस में करना हो ना बीबी जी, तो नहाए धोए के खुशबू लगा लो। हेलो सर, पता लग गया जैक कहाँ छिपा है। वही जो उस बच्ची को किडनैप करके ले गया था। जी तुम सब वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। एक दिन एक खेलती हुई बच्ची मुझे दिखाई दी, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह, वही माँ सोमीनाथ और उतनी सुंदर। मैं उसके पास आया, बस 5-6 मिनट में मैं उसके साथ इतना घुल मिल गया जैसे वो मेरी अपनी ही बेटी हो, मेरी अपनी ही बच्ची हो। उसे सीने से लगाए चल पड़ा सिस्टर। कब रात बीती कब दिन बीते मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब होश आया तब ने पुलिस दी सिस्टर। यार करना जुर्म है, ये मुझे मालूम नहीं था सिस्टर, मुझे मालूम नहीं था। तो बच्ची के माँ बाप को तुमने खबर क्यों नहीं दी? बच्ची मुझसे छीन जाएगी ये डर से। ये कसूर मैंने किया सिस्टर, आई एम सॉरी। और बच्ची को वापस करने के लिए तुमने 1,00,000 रुपए चिट्ठी में लिखकर मांगे? चिट्ठी सिस्टर, मुझे अपना नाम लिखना नहीं आता। मैं चिट्ठी चिट्ठी कैसे लिखूंगा सिस्टर? तुम सच कह रहे हो कि बच्ची को वापस करने के लिए तुमने कोई रुपए नहीं मांगे? नहीं। और उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था? सिस्टर मैं अपनी मरी हुई बच्ची की कसम खाकर कहता हूँ सिस्टर कि मैं बेकसूर हूँ सिस्टर। और कसूर है तो सिर्फ ये कि मैंने उस बच्ची को एक बार की निगाह से देखा है। मुझे बचा लो सिस्टर, अरे देखा बाप भी अपनी बेटी से प्यार करते हुए डरेगा सिस्टर। मुझे बचा लो सिस्टर, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो सिस्टर। जैक अगर तुम बेगुनाह हो तो मैं तुम्हें रिहा कराऊंगी। Thank you, sister. Sister, God bless you. मैं अपने निजी काम से नहीं आया हूं। सुना है आप जैक का केस लड़ने जा रही हैं? ठीक सुना है आपने। और उसे बचाने का इरादा भी है? किसी बेगुनाह को बचाना एक वकील का फर्ज है ऑफिसर। बेगुनाह और जैक, माय फुट, ये देखो रहीम, राम, दुर्जन, भीमा, ना जाने कितने नाम है उसके, और हर नाम के साथ एक भयानक जुर्म की कहानी जुड़ी हुई है। ना जाने कितनी मासूम बच्चियों को किडनैप करके, रेप करके, उन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया उसने। लेकिन ये सब समझने के लिए एक माँ का दिल चाहिए जिसने अपने कोख से बच्चा पैदा किया हो, और वो दिल तुम्हारे पास हो ही नहीं सकता। ये जलील इंसान आज तक पकड़ा नहीं गया था, और आज जब पूरे सबूत के साथ ये कानून के शिकंजे में आया तो आप इस दरिंदे को बचाना चाहती हैं। क्या यही आपका फर्ज बनता है? ठीक है, अगर यही आपका फर्ज बनता है तो शौक से पूरा कीजिएगा। मिस्टर वर्मा, जरा एक केस फाइल कर दो। भैया मैं आपको ऑफिस में मिलूं। ठीक है। जैक, परसों तुम्हारे केस की पहली तारीख है। यूं समझो कि परसों तक तुम आजाद हो जाओगे। तुम्हारे दिल में बच्चों के लिए जो जगह है उसे रोकने के लिए ये लोहे की सलाखें नहीं होंगी। जरा ये वकालतनामे पे दस्तखत कर दो ताकि मैं मुकदमा लड़के तुम्हें आजाद करा सकूं। सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। जैक, तुमने कहा था कि तुम पढ़ना लिखना नहीं जानते। हाँ? फिर ये क्या है? सिस्टर ये तू ये चाहता था
कि मैं तुझे रिहा कराऊं? अरे मासूम बच्चों के कातिल, मैं तुझे फांसी पे चढ़ा दूंगी। पकड़ कर सीधा करो, आराम कर दो। ले जाओ उसे। चल चल चले चल चल। मुझे झूठ बोला है, अबे इसने मुझे झूठ बोला है। इस वकील की बच्ची ने मुझे झूठ बोला है। मेरी वकील बनके मुझे धोखा देती है। तो झूठ बोला। इसमें जैक के दस्तखत हैं। उसकी लिखी चिट्ठी से लिखावट मिला लीजिएगा। मेरे ख्याल से जैक को सजा दिलाने के लिए ये सबूत काफी है। अबे दादी, तूने जैक को धोखा दिया है। जैक तेरा खून चूस जाएगा। I kill you. उफ़ो, सदियों का मेल जमा कर रखा है। मालती, टीवी भी जी, ये साहब के सूट धूप में रख दो। ये कंबल, ये भी ले जाओ। भावना भरद्वाज, मेरी अपनी धारणा, कभी कभी हालात जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां चाहते हुए भी आदमी कुछ नहीं कर सकता। मेरी शादी भी ऐसी ही एक मजबूरी थी, लेकिन हकीकत तो यह है कि तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, तुम्हारा अपना रवि। रामो, एक चाय लाओ। रामो कहां मर गया? मेरे हाथ लगाने से चाय का स्वाद नहीं बदल जाएगा। आजकल कुछ ज्यादा बोलने लगी हो तुम। अगर खामोशी इतनी ही पसंद थी तो किसी पत्थर की मूरत से शादी कर ली होती। तुम जानती हो ये शादी मेरे लिए एक मजबूरी थी। मजबूरी? ये कैसी मजबूरी है जो दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दे? क्या बर्बाद हो गई हो तुम? रहने के लिए मकान है, पहनने के लिए कपड़े हैं, नौकर चाकर हैं। क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? एक पत्नी को उसका पति नहीं दिया, बाकी तो सब कुछ दिया है। ये दीवारें हैं जो काटने को दौड़ती हैं, वो बिस्तर है जिस पे लेटते ही कांटे चुभने लगते हैं। फूल तो मेरे बिस्तर पर भी नहीं है कल्पना। ठीक कहते हैं आप, मेरे और आपके दरमियान और है ही क्या? एक ऐसा जज्बा जो न दोस्त है न दुश्मन, एक ऐसा कारवां जो गुजर तो चुका है लेकिन अब तक हम दोनों को अपने गुबार में लपेटे हुए है। मैं पूछती हूँ, मैं इतनी ही नापसंद थी तो पिताजी से इनकार क्यों नहीं कर दिया? मुझे सात फेरे देकर ले आए और घर में एक शोपीस की तरह से सजा दिया। मेरे भी कुछ अरमान हैं, कुछ सपने हैं। तो वक्त की रोटी तो जानवर को भी मिल जाती है। आप मर्दों का क्या, कहीं भी जाकर मुंह मार सकते हैं, लेकिन एक पत्नी जो अपनी सिंदूर की सीमा तक ही सीमित है, अगर
उसे अपना पति ना मिले तो वो कहाँ जाए, क्या करे? कल्पना मुझे दोष मत दो, हालात ने मुझे जहां डाल दिया है मैं उसे किस्मत समझकर भुगत रहा हूँ। हालात का बहाना मत कीजिए, आपने मेरे साथ धोखा किया है। मतलब? मतलब ये आपका पहला और आखिरी प्यार। एक बात याद रखिए, औरत सब कुछ सह सकती है, अपने मंगलसूत्र का अपमान नहीं सह सकती, नहीं सह सकती।